यूपी पुलिस के पूर्व आईजी राजेश राय इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं राजेश का। राजेश राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ये बार बार जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, सरकार की मंशा तो बिल्कुल क्लियर है, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस, फिर खामी कहाँ रह जा रही है, कहाँ कमी देखते हैं? आपने एक लंबा वक्त बिताया है, आपने नजदीक से चीजों को देखा है, दोनों, चाहे हम बात करें राजनेताओं की या फिर हम बात करें कानून व्यवस्था की, कहां क्या कमी होती है सर, क्यों हम ग्राफ को नीचे नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जहां तक इसकी बात है कि क्राइम हो रहा है या क्राइम बढ़ रहा है या क्राइम घट रहा है, तो क्राइम ठीक बात है, घटता बढ़ता है, कभी कभी थोड़ा ऐसा होता है कुछ घटनाएं ज्यादा होती हैं, कभी कुछ घटनाएं कम होती हैं। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, पुलिस की कार्य प्रणाली में श्वेता जी महत्वपूर्ण है तीन चीजें जो उनकी बेसिक कार्य है। पहला काम है अपराध को रोकना कि अपराध होने ना पाए, और दूसरा काम है अपराध का डिटेक्शन करना, और तीसरा लाइन ऑर्डर। जहां तक अपराध को रोकने की बात है तो बहुत से ऐसे अपराध हैं जो अगर सतर्क रहे पहले से तो रोके जा सकते हैं जी। जैसे कई बार हत्याएं हैं, अगर गांव में रंजिश चल रही है, लोगों के बीच में दो पक्षों में रंजिश है, और इस बात की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, क्योंकि जो उनका बीट सिस्टम है, जो उनके जो कांस्टेबल्स हैं, जो उनके वहां पर चौकीदार हैं, अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से उनको ये मालूम रहना चाहिए, उनके पास इस बात का रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हमारे इलाके के किन गाँव में किन किन लोगों के बीच में रंजिशें चल रही हैं, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, उनके निरोधात्मक कार्रवाई करें, जरूरत पड़े तो दोनों पक्षों को उठा करके उनको 151 में बंद करके वो कर सकते हैं, जिससे उनको दबाव उनके ऊपर बने। तो बहुत सी ऐसी चीजें कर सकते हैं जहां पर रंजिश है उसमें जो मर्डर्स हैं, इस तरह घटनाएं हैं, उनको रोका जा सके। अब लेकिन जैसे कुछ 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 क्राइम है, जैसे किसी ने, जैसे शोधे हैं, उन्होंने लड़कियां छेड़ी, अब उसमें भी एक प्रयास एक वक्त पे किया गया था और बहुत सार्थक प्रयास था कि जो पुलिस है वो अपने इलाके के हर गांव में हर जगह पे लोगों से मिलजुल करके इस बात का रिकॉर्ड तैयार करें कि कौन ऐसे एकाएक, कोई ऐसा नहीं है जो हाई स्कूल इंटर में एंटी रोमियो स्क्वाड की भी बात हुई थी राजेश राय जी, वो कहाँ एक्टिव है, नजर ही नहीं आते ग्राउंड पर। अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी है। आप कह रहे हैं कि चलिए हत्या हुई रंजिश की वजह से, उसमें लोकल इनपुट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वहां लोकल इनपुट्स का भी फेल्योर देखा जा सकता है, साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो रही थी, कहां प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार ने साफ कह रखा है कि अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस, फिर क्यों पुलिस के हाथ बंधे हुए, कानून का खौफ अपराधियों में क्यों नजर नहीं आता? पुलिस के हाथ बिल्कुल नहीं बंधे हैं। सौभाग्य की बात जो मुझे अच्छी लगती है कि इस समय ये माहौल नहीं है कि पुलिस के ऊपर किसी तरह का राजनीतिक दबाव अपराधियों के पक्ष में हो, ये कम से कम एक पॉजिटिव बात है। हाथ नहीं बंधे हैं। अब जब हाथ नहीं बंधे हैं तो जो कमजोरी है वो पुलिस के, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जहां पर उन्हें जो चीजें करनी चाहिए ढंग से उसमें नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको अपना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है लोकल लेवल पे उसको डेवलप करके, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डेवलप करके, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं जब एक एक तरफ आदमी पुलिस में ये होता है कि अगर एक कोई बात आती है जब उसके पीछे लग जाता है तो उसी में लगा रहता है और चीजें छूट जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कोरोना में लगे तो कोरोना में लगे हुए, लेकिन आपका जो क्राइम है वो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है, कोरोना आपकी बेसिक जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी जो बेसिक है वो क्राइम है। अगर क्राइम बढ़ेगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें आप किसी भी तरीके से शिथिल नहीं हो सकते हैं। वो चाहे जो जिनको करना है, जो इनको एक्सिक्यूट करना है, चाहे उनके लेवल पे हो और चाहे जो पर्यवेक्षण अधिकारी उनके लेवल पे हो, ये जो SO है वहां से लेकर के और DGP तक की बात मैं कह रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है कि जो क्राइम है उस पर बहुत सख्ती से उस पर नजर रखें, हर क्राइम पे नजर रखें। और ठीक है, अगर मान लीजिए हो गया, पकड़ लिया, गिरफ्तारी कर ली, तो उसके बाद से नहीं कोई पूछता है, वो कार्रवाई हो गई तो उसकी तरफ नजर नहीं जाती, नजर उन पे जाती जो घटनाएं हुई है, और उनको रोकने के लिए ये मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूं अगर सार्थक प्रयास किया जाए तो समाप्त भले ही ना हो लेकिन एक उसमें काफी सब्सटेंशियल गिरावट उन घटनाओं में हो सकती है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जैसे मान लीजिए छिड़खानी घटनाएं हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो छेड़खानी या रेप की घटना है उसमें भी
अगर अगर इस बात की छानबीन, यानी कहीं ना कहीं जरूरत है राजेश राय जी, जरूरत है कि आपका फोकस क्लियर हो। अगर अभी कोरोना महामारी में आपकी आपके इंगेजमेंट्स कहीं और हैं, आपसे कुछ और भी काम लिया जा रहा है, इस वक्त जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन जो बेसिक आपका रोल है वो चेंज नहीं हुआ, ये आपको समझना होगा। और इसमें आपको चाहे वो टाइमिंग को लेकर हो या फिर अपने रोल को लेकर हो, आपको ही डिफरेंशिएट करना होगा और वक्त निकालना होगा। लेकिन सर, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त बिताया है, जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, अगर हम तुलना करें आपके ही कार्यकाल की तुलना कर ले, आपने क्या पाया है पहले के दिनों में? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि हमने कानून व्यवस्था जो है वो स्थापित किया है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जंगल राज कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से इसे देखते हैं सर? मैं इसमें एक चीज कहूंगा श्वेता जी, कि हमने भी सर्विस की है, नौकरी की है, और मैं 2013 में रिटायर हुआ हूँ, मैंने लगभग हर सरकारें देखी है। तो जो 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 भी पार्टी विपक्ष में रहती है उसका ये फर्ज है, उसका ये अधिकार है, उसका कर्तव्य भी बनता है कि वो जो सत्ता पक्ष है उसको जगाता रहे, उसको याद दिलाता रहे कि आप क्या। और जब कमियों की बात, अगर हर आदमी तारीफ करेगा कि बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। चलिए, ये जरूरी है बीच बीच में हिंट करते रहना राजेश राय जी कि कमियों को दिखाते रहेंगे तभी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस बड़ी मजबूती से कह रही है जंगल राज है, और ये पहली दफा नहीं है सर, बार बार जातीय हिंसा पर फोकस है, हिंसा को भी जात से जोड़ दिया जा रहा है, अपराध तो अपराध है किसी के भी खिलाफ हो। श्वेता, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, क्या अपराध नहीं हो रहे हैं? नंबर दो, जिस तरीके से जिन लोगों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनके जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो जाति से संबंधित हो या किसी वर्ग से संबंधित हो, क्या कोई गलत बोला जा रहा है? अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो निश्चित तौर पर इस समय जंगल राज है, और जंगल राज ही नहीं बल्कि रावण राज्य है। आप देखिए ना, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके राज्य में अपराध हो, लेकिन मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं उस अपराध को रोकने के लिए? हेडलाइन मैनेजमेंट का सहारा लिया जा रहा है, आप लोगों को मैनेज करने का सहारा लिया जा रहा है, नए नए सुरेंद्र जी गलत बात हमें मैनेज करने का नहीं सुरेंद्र जी, बिल्कुल ये बहुत ही आसान तरीका होता है आप लोगों को कि मीडिया को टारगेट कर देना, कि मीडिया और हेडलाइन मैनेजमेंट की बात हो रही है, जहां आप सवाल उठा रहे हैं हम भी सवाल उठा रहे हैं, और लगातार हम सरकार से भी सवाल उठाते हैं, तो ये गलत बात। सुरेंद्र जी, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अपराध अगर हो रहे हैं और विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, उठाना भी चाहिए ताकि सरकार उस पर जवाब दे, सरकार जो है एक्शन में, सरकार एक्शन ले भी रही है, लेकिन बार बार ये कहना किसी जात से जोड़कर अपराध को देखना और फिर मीडिया को टारगेट कर लेना, यह भी कतई सही नहीं है।